बांधे एक डोरी से। मैं आपकी जिद के आगे हार मान गया विभीषण, और मैं आपको और दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं आपको वो कुछ बताने आया हूँ। कहना क्या चाहते हो रघु? बताना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। सच ये है बेबी जी कि मैं और सुमित्रा, बेबी जी शिवानी को मारना चाहते थे, रघु क्यों बीच में आ गया? तेरा फोन कटे हिला दीदी, ये क्या कर रही? दो मेरा फोन वापस। नहीं दूंगी। आज तुझे हमारे सामने करण जी से पूछना ही होगा कि वो तुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। सही मान गिन्नी, अगर वो तुझसे प्यार करते होंगे ना तो मैं खुद ये शादी नहीं होने दूंगी। ले बात कर उनसे, कर बात। दिक्कत कर, मैंने सुनना है। आएगी नहीं करण जी? वो मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। किन्नी, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, बस मौका ही नहीं मिल पाया। किन्नी, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था। हेलो हेलो गिन्नी, गिन्नी तुम सुन रही हो ना? जी करण जी, मैं सुन रही हूँ। गिन्नी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें गलत फहमी कहाँ से हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गिन्नी, शिवानी से करता हूँ। तुम भी ना रघु। मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, जरा सी खरोचे बस। रघु हाथ सीधा रखो। रघु रघु, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? सुनता जी, हटी बेबी जी, मुझे दीजिए। ऐसे कैसे चोट लग गई? ध्यान नहीं रख सकते तुम? बहुत ज्यादा लगी है क्या? नहीं सुनता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेबी जी रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, फिर बात अधूरी रह गई। रघु बाद में कहना। सुमित्रा जी नहीं, मुझे अभी कहनी बात। विजय, दरअसल बात यह कि रघु भैया, यू काहे हो थको? कुछ नहीं, बेला ऐसी खरोच। गिन्नी तुझे क्या हुआ? रघु भैया, गिन्नी था से कुछ कहना चाहती। क्या? रघु भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे पागल है क्या तू? तू उठ उठ, चल खड़ी हो। नहीं रघु भैया। गिन्नी गिन्नी उठ उठ। गिन्नी, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें अकेली तेरी गलती नहीं है। जितनी तेरी गलती उतनी करण जी की गलती भी है। नहीं रघु भैया,
करण जी की कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए अब तक चुप थे। मतलब? मतलब शकु भैया, मैं कल किसी दोस्त के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि करण जी को मिलने की उम्मीद से एक क्लब गई थी। हाँ भैया, और वहां पर कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए, और अगर करण जी सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये सब तू करण जी से मिलने क्यों गई थी? रघु भैया, मैं करण जी से प्यार करती थी। नहीं रघु, रघु समझो, अगर इस वक्त तुमने गिनी को कुछ भी कहा तो फिर वो आगे से कभी भी सच कबूल करने की हिम्मत नहीं रखेगी। रघु, वो इस वक्त जो भी कह रही है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। I'm so sorry, रघु भैया। मैं समझ गई हूँ कि करण जी से प्यार करना मेरा एक बचपना था। बेबी जी, मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। और आपने और करण जी ने मेरे लिए कितना कुछ सहा, कितना बड़ा दिल है आप दोनों का। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लो, इतना नाटक मैंने सिर्फ बेबी जी को रघु की नजरों में गिराने के लिए किया था, ये तो उल्टा और इज्जत बढ़ गई इसकी। सब कहीं ये गिन्नी सच बोलते बोलते ये ना बोल बैठे कि मैंने इसे भड़काया था। ये कोई बात नहीं, प्लीज रोना बंद कर, चुप हो जा, एकदम चुप। हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, चुप हो जाओ। रघु भैया, आप जो करण जी के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था। वो तो सिर्फ मुझे अपने घर क्लब से बचा कर लेके गए थे, ताकि आप लोग मेरी हालत देख के डर ना जाओ और मुझे ना डो ना। रवि जी, आपको सब मालूम था, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपके सामने हो रहा ना सर, मैंने कितना कुछ कह दिया करण सर को, कितनी बदतमीजी से पेश आया मैं उनसे। कैसे बताते रघु, ये हमारी छोटी बहन जैसी है। और फिर करण ने सोचा कि गिन्नी को तुम्हारी नजरों में गलत साबित करने की बजाय वो खुद तुम्हारी नजरों में गिर जाए। लेकिन जो भी है रघु, तुम फिक्र मत करो, किन्नी ने अपनी गलती मान ली है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बेबी जी, वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है बेबी जी। तो रघु, क्या इसी वजह से तुम करण जी और बेबी जी की शादी तोड़ना चाह रहे थे? क्योंकि क्योंकि तुमने गिन्नी को करण जी के घर पे देख लिया और तुम्हें लगा। छोड़ो, अब तो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो गई ना, अब तो करण जी और बेबी जी की शादी हो सकती है ना। जी समझ तो जी। रघु, तुम कुछ कहना चाहते थे हमसे? हाँ बेबी जी, वो एक गलतफहमी थी, लेकिन अब सब दूर हो गई। तो बस मुझे एक गलती सुधारनी है। ये
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी शादी टूटने से बच गई, वरना बेकार में बेबी जी मेरे हाथ से मारी जाती। और तो और, गिन्नी ने भी मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत कभी हुआ नहीं है सुमित्रा। अंत तो तब होगा जब सबको ये पता लग जाएगा कि गिन्नी को तुमने भड़काया था सब कुछ ही रॉन्ग डूइंग करने के लिए। कैसी बात करिए माया भाभी आप, मैं क्यों किसी को भड़काने लगी? अच्छा, मैं क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखती हूँ? सुमित्रा, मैं बहुत ही क्लेवरिंग हूँ और मुझे सब अंडरस्टैंडिंग होता है कि कब क्या चल रहा है। अरे भगवान ने गिन्नी को इतना दिमाग दिया ही नहीं है कि वो अपने दिमाग से इतना सब कुछ अकेले कर ले। सच सच बताओ सुमित्रा, तुमने ही गिन्नी को पट्टी पढ़ाई थी ना ये सब डूइंग करने के लिए? हाँ माया भाभी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गिन्नी के सर इतना सब कुछ हो जाएगा और फिर घर में भी इतना बखेड़ा खड़ा होगा। मुझे तो लगा था कि गिन्नी फंसेगी तो बदनामी बेबी जी की होगी और फिर बेबी जी इस घर की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देख पाएगी। वाह सुमित्रा, पर हुआ क्या? एकदम उल्टा, बल्कि बेबी जी की रिस्पेक्टिंग रघु भैया की आईज में और इंक्रीजिंग हो गई। शुक्र मनाओ सुमित्रा, बेबी जी की शादी ब्रेकिंग होते होते रह गई, वरना फिर से वो यहाँ सिटिंग कर जाती हमारे सर पे। सुमित्रा, मैं भी चाहती हूँ कि बेबी जी इस घर से जल्दी से गोइंग हो जाए, लेकिन अब सब्र रखो, वो अपने आप ही इस घर से गोइंग होने वाली है ना, तो तुम ये सब करके क्यों अपनी लाइफ में रिस्किंग डाल रही हो? बात तो आप ठीक कह रहे हो माया भाभी, मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी, सिर्फ चुपचाप बैठूंगी और इस शादी का तमाशा देखूंगी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं सर, गलती मेरी बहन की थी और मैंने आपके साथ ऐसा सलूक किया, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे सर। अरे रघु, क्या कर रहे हो तुम्हें? मैं नाराज नहीं हूं तुमसे और तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी यही करता। नहीं सर, सर आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने मेरी बहन को बचाया सर, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा सर। रघु कैसी बातें कर रहे हो, हम सब एक परिवार हैं अब, और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया। थैंक यू सर, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे मुझे बेबी जी के लिए आपके जैसा इंसान मिला। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ बेबी जी के लिए सर। थैंक्स सर, चलो अब बहुत हो गई इमोशनल बातें, ये बताओ शादी की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर, बस उसी काम से निकला था मैं फिर मिलता हूँ सर आपसे, काम कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये शिवानी के लिए कंगन है, मैं चाहता हूं ये तुम दो मेरी तरफ से। ठीक है सर, मैं ये बेबी जी को दे दूंगा, चलता हूं सर। क्यों रो रही हो तुम शिवानी? ये तो चाहती थी तुम, अब तुम्हारी शादी है, खुश होना चाहिए तुम्हें, बहुत खुश होना चाहिए तुम्हें। Ha ha ha!
तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे रघु। हमारी इस हालत के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेबी जी ये देखिए करण सर ने कुछ भिजवाया आपके लिए। जी देखिए ना शादी के कंगन है आप पे बहुत अच्छे लगेंगे बेबी जी। देखिए हम अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जो रिश्ता है उसके मातम के लिए तैयार होंगे रघु। एक रिश्ते की मौत होगी उस दिन और उस रिश्ते का कत्ल सिर्फ तुम ही ने किया है रघु। हम तुम्हें इस कत्ल की सजा जरूर देंगे। वो दर्द जो हम सह रहे हैं वो अब हम तुम्हें भी देंगे रघु। होने की हैसियत से तुम किस हक से हमारे साथ हंसकर मुस्कुराकर बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ अब क्यों मुंह उतर गया तुम्हारा? तुम ही कहते थे ना कि तुम्हारे और हमारे बीच एक नौकर और मालकिन का रिश्ता है। फिर अपनी मालकिन की बातों का इतना क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? अब ये कंगन उठाओ और कबर में रखो। हमारा जो मन करेगा जब मन करेगा हम वही पहनेंगे। ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही हैसियत है कि तुम हमें बताओ कि हम पर कंगन अच्छे लगेंगे या नहीं। बेबी जी ये किस तरीके से बात कर रही थी आप रघु से? सुमित्रा जी क्यों क्या गलत किया हमने? ये सब हम रघु के कहने पर ही करने को मजबूर हो रहे हैं। बोलो रघु क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? एक मालकिन और नौकर का ना? बल्कि सुमित्रा औकात तो तुम्हारी भी नहीं है कि तुम हमें टोको। देखा जाए तो तुम हमारे नौकर की सिर्फ बीवी हो। तो तुम भी हमारी नौकरानी ही ना? जी मैंने कंगन रख दी। रुको रघु कितने बदतमीज हो गए हो तुम। मतलब राय दी और मुंह उठाकर जा रहे हो हमारे कमरे से। हमने क्या बोला तुम्हें जाने के लिए? नहीं ना। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है। तुम जो भी अब तक कह रहे थे वो सिर्फ कहने को ही कहते आए। असल में तुम भी ये भूल गए हो कि एक मालकिन और नौकर का रिश्ता क्या होता है। गलती तो सिर्फ हमारी है। हमने ही तुम्हें सर चढ़ाकर रखा हुआ था। लेकिन अब हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। अब हमारी शादी है रघु।
और हमारी शादी के हर रस्म, हर रिवाज, सब चीज का इंतजाम सिर्फ तुम करोगे। कुर्सियों से लेकर केटरिंग तक हर चीज का इंतजाम तुम करोगे। जब तक हम विदा नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे नजरों के सामने से गुजरेगा वो हर पल जब तुम देखोगे हमें किसी और आदमी के साथ शादी करते हुए। और कोई जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं पाए, कम से कम नौकर होने की जिम्मेदारी तो खूब अच्छे से निभा पाओगे तुम तो।